हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर टू कीपिंग हेल्दी वॉल्यूम टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट वी शुड ईट फैट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। अब हमें ये स्टेटमेंट्स बताना है कि हमें फैट्स बहुत ही कम अमाउंट में खाना चाहिए, क्यों। Answer is we should eat fats in very small amount because when we eat more fats then our body needs the excess energy get stored in the body as fat। हमें फैट बहुत ही कम अमाउंट में इसलिए खाना चाहिए क्योंकि जब हम फैट बहुत ज़्यादा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तब वही हमारी बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है एंड दिस में लीड टू एन अनवेलकम मेडिकल कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। और जब फैट ज़्यादा हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है तब हमें एक मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है हमारी बॉडी में, इसको हम लोग कहते हैं ओबेसिटी यानी कि मोटापा। इसीलिए हमको फैट राइट अमाउंट में या थोड़े अमाउंट में खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट के इम्पोर्टेंस को हमें बताना है। ऑल द फूड आइटम्स मे नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। जितने भी फूड आइटम होते हैं वो उन सभी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, ज़रूरी नहीं है कि सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स हों ही। सर्टेन फूड मे बी रिच इन वन न्यूट्रिएंट बट माइट लैक अदर न्यूट्रिएंट्स, सो वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट्स नीडेड बाय अवर बॉडी। कुछ कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जिनमें कोई एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो हो सकता है कि दूसरा न्यूट्रिएंट उसमें ना हो या दूसरे न्यूट्रिएंट की कमी हो, इसीलिए हमें बैलेंस डाइट करना खाना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि वो डाइट, वो भोजन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर या राइट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जितने हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू कम्युनिकेबल डिजीज अकर एंड हाउ डू दे स्प्रेड। कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी बीमारियाँ क्यों होती हैं और हम वो कैसे फैलती हैं। आंसर इज जर्म्स और माइक्रोब्स आर टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सी विद नेकेड आईज। जर्म्स यानी कि रोग के कीटाणु और माइक्रोब्स भी वही होते हैं, वो इतने टाइनी यानी कि इतने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं एंड दे कॉज डिजीज इन आवर बॉडी एंड कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। और ये जो होते हैं इनकी वजह से हमारी बॉडी में जो बीमारियाँ होती हैं उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं एंड कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज। कम्युनिकेबल डिजीज किस तरीके से हमारी बॉडी में फैलते हैं, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड एयर यानी कि डायरेक्ट किसी को टच करने से या फिर एयर से ये फैलते हैं, थ्रू फूड एंड वाटर, फूड और वाटर से भी। जब आपने देखा होगा कभी किसी को कफ एंड कोल्ड हो जाता है तो बोलते हैं कि हाँ उनका जो है खाया हुआ खाना मत खाओ या उनके कांटेक्ट में मत आओ, क्यों, क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन फैलते हैं। थ्रू एनिमल्स यानी कि एनिमल्स के थ्रू भी ये फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the deficiency disease and name any two deficiency disease and give reason for their occurrence। deficiency disease क्या होती है, कोई दो deficiency disease के नाम बताने हैं और वो deficiency disease फैलने का reason क्या होता है, क्यों होता है। Answer is an insufficient supply of vitamins and minerals in our body causes certain disease called deficiency disease। हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स का इनसफिशियंट यानी कि सफिशियंट जो नहीं होता, पर्याप्त मात्रा में ना हो, ठीक है। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स और मिनरल्स का सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तब इसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ बीमारियां होती हैं और वही बीमारियां कहलाती हैं डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी मीन्स कमी, यानी कि ऐसी बीमारियां जो विटामिन और मिनरल की कमी से होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस एंड गोइटर आर टू डेफिशिएंसी डिजीज। नाइट ब्लाइंडनेस और गोइटर दो डेफिशिएंसी डिजीज हैं जिनमें नाइट ब्लाइंडनेस अक्यूर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस मैंने आपको पहले भी बताया कि नाइट टाइम में या अंधेरे में देखने में प्रॉब्लम होती है, ये किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से। एंड गोइटर
वो क्या होता है, गले में स्वेलिंग हो जाती है। गोइटर इज़ अक्यूज ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ आयोडीन। गोइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट, डिस्कस वेज ऑफ प्रिवेंटिव मॉस्किटो ब्रीडिंग। मॉस्किटो ब्रीडिंग को किस तरीके से रोका जा सकता है? द आंसर इज मॉस्किटो ब्रीडिंग कैन बी प्रिवेंट इन द फॉलोइंग वेज। मॉस्किटो ब्रीडिंग कुछ इस तरीके से होने से रोका जा सकता है। कीप वाटर टैंक्स कवर्ड। जो वाटर टैंक होते हैं उनको कवर करके रखो। डोंट लेट वाटर टू कलेक्ट इन डिचेज, पॉट्स, वेसल्स एंड कूलर्स। पानी को पॉट्स, वेसल्स, कूलर्स इन सब में इकट्ठा मत होने दो। रिपेयर और प्रिवेंट वाटर लीक्स फ्रॉम टैप्स, एयर कंडीशन और कूलर। टैप, एयर कंडीशन या फिर कूलर से अगर कहीं से वाटर लीक हो रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी रिपेयर कराना चाहिए। वेयर फुल स्लीव शर्ट एंड ट्राउज़र्स। हमें फुल स्लीव शर्ट और ट्राउज़र पहनना चाहिए ताकि हमें मॉस्किटो बाइट ना करे। ओके, नेक्स्ट, नाउ पुट ऑन व्हाट यू आर थिंकिंग कैप। ओके, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। विटामिन ए इज़ एसेंशियल फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स। विटामिन ए स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाने में हेल्प करते हैं? नो, ये फॉल्स है। स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाने के लिए कैल्शियम हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। विटामिन और मिनरल्स हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं? यस, इट्स ट्रू। राइस एंड पोटैटो आर रिसोर्सेज ऑफ प्रोटीन। राइस और पोटैटो प्रोटीन के रिसोर्स हैं? नो, फॉल्स। राइस और पोटैटो कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्स होते हैं। नेक्स्ट, रफेज हेल्प अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रफेज हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने में हेल्प करता है? यस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट, डिजीज कॉज्ड बाय जर्म्स आर कम्युनिकेबल डिजीज। वो बीमारियाँ जो कि जर्म्स से होती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं? यस, इस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर बॉडी कॉज्ड एनीमिया। आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी में एनीमिया होता है? नो, फॉल्स। आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी में गोइटर होते हैं। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग फूड आइटम अंडर द करेक्ट कॉलम। यहाँ पे कुछ फूड आइटम दिए हुए हैं, उनको करेक्ट कॉलम में देना है, लिखना है आपको। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स जो हैं ये कॉलम दिए हों, इनमें आपको सेलेक्ट करके लिखना है कि कौन सा फूड आइटम किस कॉलम में आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स में राइस एंड ब्रेड हैं, प्रोटीन्स मिल्क, दाल, चिकन। फैट्स में है आपके क्रीम, बटर, घी, ऑयल एंड चीज़। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। सॉफ्ट बोन्स किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी होती है। कॉमन कोल्ड वो भी वायरस की कमी से होती है, वो भी एक बीमारी होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है। नाइट ब्लाइंडनेस मैंने आपको पहले भी बताया, वो विटामिन ए की कमी से होता है। एनीमिया मीन्स कि ब्लड की कमी होना, तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है आपको। फर्स्ट, फूड प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, बीन्स, पनीर एंड मीट आर रिच सोर्सेज ऑफ। फूड प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, बीन्स, पनीर और मीट, ये सब किसके रिसोर्स होते हैं? प्रोटीन्स के। नेक्स्ट, आवर बॉडी यूजेस फैट्स टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर एंड टू कुशन ऑर्गन्स। हमारी बॉडी जो होती है वो फैट को यूज़ करके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और ऑर्गन को जो होते हैं कम्फर्टेबल, कम्फर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, विटामिन डी वर्क्स विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस टू मेक स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फोरस के साथ मिलकर हमारी बोन्स और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, गोइटर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। गोइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन इज़ अ टाइप ऑफ मिनरल। आयोडीन एक मिनरल होता है। Now exercise 2 in. Thank you.